नमस्कार दोस्तों, बनी के आवाज का स्वागत है। मैं विकास, आइए डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा समाप्ति के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। पुराने शहर क्षेत्र के नवादा शेखान में 30 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई थी। आज कथा समाप्ति के उपरांत शनिवार को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया। चंद्रपाल राठौर, जानना चाहेंगे आज किस उपलक्ष्य में रखा गया कार्यक्रम। ये भागवत लगातार 12 वर्ष से होती चली आ रही है और 30 तारीख से आरंभ हुई थी, आज इसका समापन हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भंडारा कराया गया था। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों प्रसाद ग्रहण किया और लोग शाम तक चलेगा और आज शाम को माता रानी का जागरण होगा। किसान विरोधी तीनों कानूनों को लेकर किसान उतरे सड़कों पर, किया प्रदर्शन। सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी तीनों कानून को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने की मांग करते हुए आज किसान एकता संघ के मंडल प्रभारी डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया। इस अवसर पर किसान नेता ने बताया, पिछले लगभग 70 दिनों से देश का नाराज किसान सर्द रातों और खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सड़कों पर तीनों काले कानून के विरोध में आंदोलित होने के लिए मजबूर है। किसान एकता संघ बरेली प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद प्रधान के नेतृत्व में किसान एकता संघ पूरे देश के अंदर तीनों कानून का विरोध कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में बरेली जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर यह मांग करते हुए कहा कि किसान हित में देश के इन तीनों काले कानूनों को वापस लिए जाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे देश के अंदर चक्का जाम की घोषणा हुई, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर NCR उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलित है। इसलिए इन तीनों जगह के लिए शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देकर विरोध प्रदर्शन करने की तय किया गया। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम तीनों कानून वापिस हों महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से निवेदन करने आए हैं जिलाधिकारी बरेली के द्वारा। टेम्पो पलटने से दो घायल। बरेली के थाना दुरनिया के गांव पिपरा का रहने वाला 27 वर्षीय ब्रजकिशोर पुत्र जमुना प्रसाद देर रात अपने ससुराल से शीशगढ़ आ रहा था, तभी अचानक सामने से कुत्ता आ गया। टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान टेम्पो में 3 लोग बैठे हुए थे। टेम्पो में सवार ब्रजकिशोर व 55 वर्षीय शंकरलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। इस बारे में जानकारी देते हुए घायलों ने बताया। क्या नाम है आपका? शंकरलाल। क्या घटना हुई थी आपके साथ? कैसे चोट लगी आपके? मुझे माथे में आए। कैसे चोट लगी आपके? कैसे चोट? जो माथे में चोट लगी हुई। चोट? क्या नाम आपका? ब्रजकिशोर। ब्रजकिशोर, कैसे आपकी चोट लगी? वो कुत्ता आया था, तभी ऑटो पलट गया। अच्छा, ऑटो पलटने से चोट लगी। कहाँ रहते हैं आप? पिपरा नानकार। अच्छा, थाना? थाना दुरनिया है। तो किस समय घटना हुई थी आपके साथ? रात करीब 10 बजे। क्या हुआ था? कुत्ता आया, ऑटो पलट गया। सवारी बैठी हुई थी? ना, कोई भी नहीं था, हम 3 ही लोग थे सर। कौन कौन लोग थे? ये भाई थे, मैं था और एक भतीजा था साथ। कितने लोगों की चोट आई है? हमारे दोनों को ही आई बस। अच्छा, हमें दोनों को आई। किसी चीज से भिड़ंत हुई थी या अचानक से कुत्ता आने से एकदम हुआ था? मोड़ थी ना इस तरह से, तो मोड़ के सामने से वो कुत्ता निकला, एक गांव का किनारा था, तो वहीं पलट गया, बीच रोड पर ही पलट गया था। बरेली कॉलेज कर्मचारी आंदोलन 32वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों का ऐलान, 25 फरवरी को बरेली कॉलेज को पूर्णतः करेंगे बंद। कर्मचारी कल्याण सेवा समिति बरेली कॉलेज के बैनर तले जारी बेमियादी आंदोलन आज 32वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों में सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति रोष व्याप्त है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर हम 25 फरवरी को एक ज्ञापन जिलाधिकारी को देंगे, मुख्यमंत्री जी को संबोधित, 25 फरवरी को एक दिवसीय पूर्ण बंद करेंगे बरेली कॉलेज को राज्य केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी है। इस मौके पर सचिव हरीश चंद्र मौर्य ने कहा कि बरेली कॉलेज के जनप्रतिनिधि को
को भी हमारी मांगों को सरकार तक जल्द ही रखना चाहिए। कर्मचारियों ने नारा भी लगाया, जब तक हम ताला नहीं खोलेंगे कॉलेज में उल्लू बोलेंगे। आज आंदोलन का संचालन पूरनलाल मसीह ने किया। धरने पर रामू रामपाल, विनीत रोयला, गंगा सिंह यादव, रविंद्र सहारा, श्रीराम दयाशंकर, बली अहमद, सावित्री देवी, बच्ची देवी, नीता कोहली, लाला राम, दिनेश कुमार आदि मौजूद रहे। सीता, और हम आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं और समय निकाल के हम आपके धरना पे आएंगे और वहां पे आकर के लिखित में आपको समर्थन देंगे। तो साथियों, हमें लगता है हमारा आंदोलन लगातार जारी है और जो समर्थन जुट रहा है इसमें, जो जन समर्थन हमें मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास हमारी आवाज जरूर पहुंचेगी और उनको हमारी आवाज के बारे में सोचना पड़ेगा और हमारी आवाज को सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो हमने यह तय किया है और आप सबको बताना चाहते हैं कि 15 फरवरी को हम सभी लोग कलेक्ट्रेट पे पुनः चलेंगे और फिर एक डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। सभी को चलना है कलेक्ट्रेट पे 15 फरवरी को 12 बजे बरेली के डीएम को एक ज्ञापन देना है और अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को रहना है। आप लोग भी रहिए, अगर हो सके तो अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपनी पत्नियों को भी संग लेके चलिए ताकि एक भारी भीड़ लगे और आंदोलन हमारा मुस्तैदी से आगे बढ़े। 15 फरवरी के बाद कर्मचारी कल्याण सेवा समिति ने यह तय किया है कि 25 फरवरी को एक दिन के लिए बरेली कॉलेज में पूर्ण बंद किया जाए, पूर्ण बंद अपनी मांगों के समर्थन में, और पूरे दिन बरेली कॉलेज बंद रहेगा। केवल इसलिए कि हमारी इन दो मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा की स्थिति में यह बंद हमारा केवल चेतावनी मात्र है। अगर आप आगे नहीं सुनेंगे तो अनिश्चितकालीन बंद भी बरेली कॉलेज में किया जा सकता है। कर्मचारी कल्याण सेवा समिति इन जायज मांगों के लिए लड़ रही है और उन मांगों के लिए लड़ रही है जिनको बरेली के जनप्रतिनिधियों को बहुत पहले सरकार को बताना चाहिए था। आखिर ये बरेली के विकास से भी जुड़ी हुई मांगे हैं, क्यों नहीं इनको पूरा किया जा रहा है? कोई भी सरकार क्या केवल अस्थाई कर्मचारियों को अस्थाई ही बना के रखना चाहती है? क्या उनकी पॉलिसी में नहीं है कि इनको स्थाई किया जाए? जीवन के 20 वर्ष हम लोगों ने यहाँ खपा दिए, लेकिन अभी तक सरकार ने विनतीकरण करने की तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया है, जबकि सैकड़ों पत्र हमने सरकार को भेजे हैं। अब हमने ये तय किया है कि हमारा ये आंदोलन विगत जो 4 जनवरी से जारी है ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाता है। हमें चाहें कितना भी आंदोलन तेज करना पड़े, हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन अपनी मांगों पे टिके रहेंगे और लड़ते रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जब तक हम लोग जीत नहीं जाएंगे। और निश्चित रूप से साथियों, अगर हमारी लड़ाई दमदार होगी, हमारा संघर्ष दमदार होगा, तो हम लोग जरूर जीतेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इंकलाब जिंदाबाद। सिलेक्शन पॉइंट वीर छत्रपति शिवाजी चौक राजेंद्र नगर में पोल लगाने के नाम पर गिनरी का सत्यानाश, जिसको लेकर पार्षद सचिचंद सक्सेना कातिब मम्मा ने इसका विरोध किया है और वे सड़क पर बैठ गए। उनका कहना था कि प्राइवेट कंपनी का ठेकेदार सड़क की हरियाली को किसकी मर्जी से उजाड़ने का काम कर रहा है। उन्होंने इस बारे में नगर आयुक्त को भी जानकारी दी है तथा कार्य को रुकवा दिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।